Hi everyone, I am Rock Singh from Modulation Institute. Today I will discuss about the environmental engineering prospectus of SSC JEE State Services Examination. First of all, I will describe the what is the weightage of subject in every examination. In SSC JEE, 10 to 12 marks objective and nearly 20 to 30 marks in conventional paper. As a state engineering services, 20%. Suppose that generally in state services we have two papers, paper 1 and paper 2. So if we have a paper 1, in paper 1 near about in fish papers, the environmental is nearly 20% by weight. Agar suppose that is in a paper first, then 20% of paper first, or suppose that it is in paper second, then 20% of paper second. Or in gate examination, near about 10 to 12 marks. And ESC pre 20 to 30 marks and ESC mains 70 to 90 marks. So dear students, we have basically concern in SSC JEE and state engineering services, but the main part of GATE and ESC is very important questions. I will discuss about that also. So let's give you the syllabus of the environmental engineering. And demand, first topic, second is one is quality parameter, third one is a water treatment, fourth is a sewage quality, fifth is a sewage treatment, and last one is a sewage disposal and solid waste management. They have include one topic also, that is a pollution. So sabse pehle main aapko ye bata dun ki ye water distribution and demand, quality parameter, water treatment, sewage disposal, sewage disposal and solid waste management and pollution. We have a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topics. So, in subject, mein basically, mein padhna kya hai, hum kyun padh rahe hain, sabse pehle hume ye janna hai. Ye to humara pehla criteria hua ki exam mein pucha jata hai. Hume pata hai ki JEE ka hume paper nikalna hai, to hume 20 question, 12 question objective aayenge. तो उसके लिए मैं प्रिपेयर होना है. सपोज दैट मैं स्टेट की इंजीनियरिंग सर्विसेज देनी है, राजस्थान की, यूपीपी की, बिहार की, लॉट ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे हमें पता है कि जो पेपर होगा उसका नियर अबाउट 20% वेटेज इसका होता है. और गेट एसी आल्सो, तो फर्स्ट तो हमारा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है. सेकेंड वन इज़ कि हम देखते होंगे अपनी रोज़ की लाइफ में सबसे बेसिक नीड हमारी, वैसे तो लोग बोलते हैं हवा है, उसके बाद क्या बोलते हैं, पानी है. तो ये क्या है, वही है पानी. हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ये बेस्ड है वाटर को रिवर से उठाने से लेके हम जब इसको डिस्पोज करते हैं. सबसे पहले हमारे पास सपोज इसका मेन इंजीनियरिंग के में इसका मतलब ये है कि सब हमें एक नया शहर बनाना है, वी हैव अ बिल्ड अ सिटी राइट नाउ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है. तो उसके लिए हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें पानी चाहिए, सोर्स. तो हमें देखना होगा कि जो हम शहर बना रहे हैं वहाँ पानी का सोर्स क्या है. हम किसी लेक से वाटर ले रहे हैं, किसी रिजर्वायर से ले रहे हैं, या किसी रिवर से ले रहे हैं, या किसी कैनाल से रहे हैं, तो हमारा सोर्स क्या है वाटर का. फिर हम सोर्स से वाटर को लेंगे, उसके बाद वाटर को ले आएंगे और ट्रीट करेंगे. उसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा. तो हम ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि शहर में कितने लोग हैं. शहर में जितने लोग हैं, अगर ये पता चल गया तो उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे. तो सबसे हम पहले देखेंगे कि जिस शहर में हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पर कितने लोग रहते हैं. तो हमें पहली चीज़ क्या पढ़नी, सोर्स, हमने पानी कहाँ से उठाया. उसके बाद कितने लोग रहते हैं शहर में जिनके लिए हमें प्लांट बनाना है. तो दूसरा हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग. जो आपका वाटर डिमांड है इसी में आएगा पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग. तो हमें पता चल गया कि शहर में इतने लोग हैं,
और एक चीज हमें और ध्यान रखना है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग क्यों कर रहे हैं, इवन ना कि करंट पॉपुलेशन मेजर कर रहे हैं। हमारे पास सेंसेस होती हैं हर 10 साल पे, तो हमें पता चल गया कि 10 साल में ये सेंसेस, तो हम इसके लिए क्यों नहीं बना रहे हैं। यू हैव टू नो दैट कि हमने बोला पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, तो पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, फॉरकास्ट करेंगे, क्योंकि जो आज हम प्लांट बनाएंगे वो पानी की सप्लाई सिर्फ आज तो करेगा नहीं, और पानी की सप्लाई फ्यूचर में 20 साल 30 साल जो भी हमारा टेन्योर होता है प्लांट की, जो भी डिज़ाइन टाइम होती है उस तब के लिए डिज़ाइन करना है मुझे। तो आज सपोज दैट हमने ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया और आगे के 30 साल बाद हमें पता है कि पॉपुलेशन तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी, घटने के चांस बहुत कम है। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उस टाइम पे अगर हमने आज 100 लोग थे, मतलब सपोज दैट 10 लाख लोग थे, तो 10 लाख लोग के बना लिया और 30 साल बाद सपोज दैट 15 लाख हो गए, तो हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हम जो हमारा डिज़ाइन पीरियड होगा, सपोज दैट अगले हम 30 साल के लिए बना रहे हैं, जैसे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं पाइप वगैरह लगाते हैं आप देखते होंगे अंदर सीवेज में, तो इन सब का डिज़ाइन लाइफ 30 साल होता है। जो हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं उनकी डिज़ाइन लाइफ 15 साल होती है। तो हमें ये मान के चलना है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया अगले 30 साल के लिए, तो अगले 30 साल की जो पॉपुलेशन होगी उसके लिए हम आज इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो पहले हमें सोर्स पता चल गया, उसके बाद हमें पॉपुलेशन पता चल गई, अब हम क्या बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट। और ट्रीटमेंट प्लांट में हम वाटर को क्या करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने की वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। जो भी हमारे घरों में पानी आएगा सप्लाई के थ्रू, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, उसमें कलर क्या होना चाहिए, उसकी हार्डनेस क्या होनी चाहिए, उसकी एल्कलिनिटी क्या होनी चाहिए, और उसमें पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह क्या होने चाहिए, तो ये सब सारा हम किस में पढ़ेंगे, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर। और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम वाटर ट्रीटमेंट। जब हमने ट्रीटमेंट प्लांट को बना लिया, उसके बाद ट्रीटमेंट की क्या प्रोसीजर है, हम कैसे पानी को साफ करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास वेरियस मेथड्स होंगे। पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में क्या करेंगे कि हम आगे कुछ बार लगा देंगे जिससे बड़ी बड़ी डेब्रीज एनिमल नदी से पानी आ रहता है वो सारे रुक जाएं। उसके बाद एरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन, फ्लोकलेशन, क्लोगलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइन्फेक्शन, तो ये सारे टॉपिक हम डिटेल में किस टॉपिक में पढ़ेंगे, वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट आ गया, अब वाटर हमारे पास आ गया, उसके बाद क्या होता है, अब जब भी हमारे बाथरूम में किचन में सारा का सारा पानी आता है, यूज़ करने के बाद बहुत सारा पानी क्यों आता है, हम डिस्पोज कर देते हैं, सीधे सिंक से वो बाहर चला जाता है। तो वो वाटर जब सीवेज के थ्रू आएगा, अब उसको डिस्पोज हमें कहाँ करना है, उसको डिस्पोज करने से पहले हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो उस ट्रीटमेंट की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हमारा सीवेज निकला उसको हम ट्रीटमेंट करने के बाद जो क्वालिटी पैरामीटर होंगे उस क्वालिटी पैरामीटर को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद हमने पढ़ा कि सीवेज डिस्पोजल एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा निकला वहाँ पे, जो भी बायोमास निकला या जो भी हमारा प्रोडक्ट निकला, उसको हम कहाँ पे फेंकेंगे, कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, ये तो हो गया सीवेज डिस्पोजल। और एक डिस्पोजल और हमारा होता है सॉलिड वेस्ट। आपने देखा होगा कि घर के बाहर या मोहल्ले में डस्टबिन लगी होती है, वहाँ पे हम सॉलिड चीज़ों को डंप कर देते हैं, फिर हमारी म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आती है उसको उठा के ले जाती है। तो उस सीवेज को कैसे डिस्पोज करते हैं, क्या मेथड होता है, ये इसमें किस में आ गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज पॉल्यूशन। तो वी विल लर्न अबाउट बेसिकली पॉल्यूशन में आपका एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन अकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दिस इज ऑल अबाउट माई सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो नाउ वी स्टार्ट अबाउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिमांड। हमारा टॉपिक है सोर्स एंड वाटर डिमांड। सोर्स एंड वाटर डिमांड, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसी ऑर्डर में पढ़ाना है, पहले आपको सोर्स बताऊं फिर या वाटर डिमांड पढ़ाऊं, ये सारे एक दूसरे से मतलब कॉन्सेप्चुअली कुछ रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं। हम आपको सबसे पहले बताता हूं कि पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, जैसे जब हमारी वाटर डिमांड होगी, वाटर डिमांड क्या है, वाटर डिमांड का मतलब है कि शहर को कितना पानी की नीड है, शहर को हमारे कितना पानी की नीड है। तो पानी की नीड किस पर डिपेंड करेगी, पर्सन पे या इंडस्ट्री पे, इंस्टीट्यूशन पे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि शहर की पॉपुलेशन कितनी है। बेसिकली हम शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी सारी हमारी नीड है, हमारा डोमेस्टिक नीड हो, इंडस्ट्रियल नीड हो, इंस्टीट्यूशनल नीड हो, ये सारा हमारा किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, पॉपुलेशन, उसके बाद वन बाय वन में एक्सप्लेन करते रहेंगे कि अलग अलग टाइप की डिमांड क्या होती है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया आपका, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग।
अब हमें पता है कि पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का मतलब हुआ कि करंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या जो भी हमारी किसी शहर की नोन पॉपुलेशन है, सपोज दैट हर 10 साल पे जैसे हमें पता है कि सेंसस होते रहते हैं जिसे हम जनगणना बोलते हैं, तो 2011 में सपोज दैट सेंसस हुआ या 2010 में हुआ, 2001 में हुआ, तो 1 में हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके रिगार्डिंग इस शहर की, अब आने वाले साल में अगले 30 साल में क्या पॉपुलेशन होगी, इसको हम किस में निकालते हैं, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग में। इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड किस में करती है। अब आज शहर में सपोज दैट 500 लोग रह रहे हैं, तो अगले 10 साल में कितने लोग रहेंगे, या ये बेसिकली किन किन मोटी मोटी चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है किस पे, फर्स्ट बर्थ रेट, कि कितना हमारा वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और दूसरा डेथ रेट, कितने लोग की डेथ हो रही है, और तीसरा होता है माइग्रेशन। तीसरा क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हुआ कि किसी दूसरे शहर से या दूसरी जगहों से हमारे सिटी में कितने लोग आ रहे हैं। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट इज बर्थ, सेकंड वन इज डेथ, और थर्ड वन इज माइग्रेशन। और नाम से पता चला है कि अगर बर्थ हो रही है तो हाँ रेट बढ़ रही है, डेथ हो रही है तो कुछ पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर दूसरे शहर से लोग आके हमारे शहर में रह रहे हैं माइग्रेशन, इससे भी हमारे शहर की क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो किन किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन population depends upon first birth, दूसरा death, और third one is migration। अब population को forecast कैसे करेंगे, देखो population की forecasting कैसे करेंगे, generally हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी किसी शहर की population होती है वो एस कर्व पे डिपेंड करती है। एस कर्व का मतलब हुआ, ये आपका ऐसे एक कर्व बनता है एस कर्व, इस एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम, पॉपुलेशन, और इस एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, टाइम, मतलब जो हमारे पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट होता है ये ऐसे होता है। अब एक हो गया पॉपुलेशन का बढ़ना और एक हो गया पॉपुलेशन का रेट का बढ़ना, तो दो चीज़ें हो गई, फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, सेकंड वन इज रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि जैसे आने वाले 10 साल में अगर यहाँ पे 100,000 थे तो 200,000 लोग बढ़ गए, और अगले आने वाले 10 साल में ये जो 200,000 बढ़े थे किसी और रेट से बढ़े, तो रेट हो गया आपका क्या, अगर ये पॉपुलेशन पी है और ये टाइम टी है तो रेट क्या हो जाएगा, dp by dt equal to rate of population growth। ठीक, और दूसरा हो गया आपका p population। अब देखो suppose that t is zero, t equal to zero जब से हमारा नया शहर बना, तो यहां पे population बहुत कम थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारा population क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, फिर पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है पॉपुलेशन के बढ़ने का। अब रेट का क्या मतलब हुआ, रेट का मतलब हुआ कि किस रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन। सपोज दैट एक साल में अगर 10 लोग 2% के हिसाब से बढ़ी, तो अगर 100,000 लोग रहते थे तो कितने हो जाएंगे, 102,000। या पहले साल में सपोज दैट 5% पॉपुलेशन बढ़ने की रेट हुई, तो अभी 100,000 थे तो क्या हो जाएंगे, 105,000। तो पॉपुलेशन 1000 थी, बस उसका रेट बढ़ने का 2% था, मींस कि अगले एक साल बाद हमारे 100,000 लोग 102,000 हो जाएंगे, इसका मतलब हमारी 2% पॉपुलेशन बढ़ गई। तो जो 2% है क्या है, दैट इज अ ग्रोथ रेट, बट 1,00,000 इज पॉपुलेशन। तो अब रेट हम कैसे देखेंगे, किसी भी आपको मैथमेटिक्स सबको थोड़ा बहुत पता ही होता है कि जो रेट होता है, रेट क्या होता है, स्लोप। अब कोई भी चीज अगर यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये टाइम है, तो रेट क्या हो गया, डीपी बाई डी टी। अभी dt क्या हो गया, dp by dt हो गया रेट ऑफ ग्रोथ। अब रेट ऑफ ग्रोथ, अभी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इस कर्व का स्लोप है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इस कर्व का स्लोप है। अब जैसे देखो आप यहां पे स्लोप ये ऐसे है, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप, स्लोप क्या हो रहा है, देखो यहां पे स्लोप कुछ ऐसा था, यहां पे स्लोप कुछ ऐसे हो गया, और यहां पे स्लोप कुछ ऐसे हो गया। तो हम जब यहां पे ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप क्या आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रेसिस में देखो ये वाला एंगल क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल ऐसे देख लो, देखो ये सपोज दैट हॉरिजॉन्टल है। अब यहां से हम एंगल देखेंगे इसके, ये एंगल, यहां से देखो ये एंगल,
तो ये एंगल जैसे जैसे ऊपर हो रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है. तो इसका मतलब शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कुछ पॉइंट तक जो हमारी रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग ये स्ट्रेट है, लगभग ये स्ट्रेट है. तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो पॉपुलेशन की रेट है वो कॉन्स्टेंट है. मतलब एक साल में 2 लाख बढ़ रहे हैं, फिर अगले साल में 2 लाख बढ़ रहे हैं. मतलब एक साल में अगर 2 लाख बढ़े तो जो पॉपुलेशन हो गई फिर उसका 2%, तो मतलब जो उनके बढ़ने का रेट है सीधा बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट बढ़ा. ये नहीं कि एक साल में 5 लाख बढ़ गए, अगले साल में 12 लाख बढ़ गए, या फिर मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई, या फर्स्ट ईयर में आपका 5 लाख बढ़े तो सेकंड ईयर में आपकी केवल 2 लाख ही पॉपुलेशन बढ़ी. तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेट होगा वो सेम होगा, जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही होगी सेम रेट से बढ़ेगी. और उसके बाद आप देख रहे हो ये घटने लगी पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे स्लोप जो कर्व है इसका स्लोप घट रहा है. तो फिर फाइनल टाइम पे क्या हो जाएगा, जहां यहां पे हमारा सैचुरेशन आ जाएगा, अब हमारी पॉपुलेशन घटने लग जाएगी. तो जनरली जो पॉपुलेशन होती है किसी शहर की, ये इस कर्व के हिसाब से बढ़ती है. शुरू में पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, फिर पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, फिर पॉपुलेशन घटती है. इसको हम बोलते हैं एस कर्व. तो अगर सपोज दैट तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग इन बेस्ड अपॉन व्हिच कर्व, एस कर्व, प्रोबेबिलिटी मेथड या कुछ भी ऐसे, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, एस कर्व. एस कर्व किसके लिए यूज किया जाता है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के लिए. इसको हम लोग कभी कभी लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, इस एस कर्व को कभी कभी लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं. ठीक, ये तो हो गया, इस कर्व पे हमारा बेस्ड होता है पॉपुलेशन का बढ़ना. ठीक, अब हम पॉपुलेशन निकालेंगे कैसे. पॉपुलेशन निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अब मैं आपको उन मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से मेथड्स से हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग. इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए क्या हो रहा है, और तुम्हारा कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए एग्जाम में. तो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, फर्स्ट वन इज होता है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड. ठीक, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड. सेकेंड वन इज जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड. थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. उसके बाद होता है आपका डिक्रीजिंग रेट मेथड. डिक्रीजिंग रेट मेथड. ये हमारे पास चार बेसिक मेथड हो गए. उसके बाद हमारे पास एक दो और मेथड होते हैं जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं. एक होता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड, और एक होता है आपका कि किसी शहर की पॉपुलेशन देख के सेम ट्रेंड पे हम फॉलो करें. तो उन दोनों मेथड के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा बाद में बता दूंगा. पहले ये मेन मेथड है जिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड. अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, इसमें रेट ऑफ चेंज हम देखेंगे कि मतलब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में बेसिकली ये होता है कि जो हमारी रेट है, जो हमारी पॉपुलेशन के बढ़ने की रेट है, वो क्या होती है, लगभग कॉन्स्टेंट होती है. अब इस मेथड में हम करेंगे क्या, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे करंट में सपोज दैट जो भी हमारा नोन पॉपुलेशन है लास्ट सेंसस के हिसाब से, जो हमारा लास्ट सेंसस है सपोज दैट 2012 में हुआ, 2001 में हुआ, या 1990 में हुआ, जिस टाइम की हमें लेटेस्ट पता होगी पॉपुलेशन, लेटेस्ट सेंसस की जो पॉपुलेशन होगी, सपोज दैट हमें 1990 की पॉपुलेशन पता है कि इस शहर की 1990 में पॉपुलेशन ये है. अब हमें निकालना है किसी दूसरे नोन टाइम पे. अब सपोज दैट हमें निकालना है कि पी 2000. अब 2000 में ये हमारा नोन है, तो 2000 में पॉपुलेशन क्या होगी ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन मेथड.
arithmetic mean method. इसमें हम क्या करेंगे, P equal to P naught plus n x bar, P equal to P naught plus n x bar. अब इसमें ये P का क्या मतलब है, P naught का क्या मतलब है, n का क्या मतलब है, x bar का क्या मतलब है. P हो गया पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, फॉरकास्ट करनी है आफ्टर n डिके. n क्या है, फॉर डिके, डिके डिके मतलब पर डिके कितने टाइम का होगा, 10 ईयर. तो हमारा ये n हो गया नंबर ऑफ डिके. नंबर ऑफ डिके में से कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सपोज दैट ये आपका 1990 की पॉपुलेशन आपको नोन है, 1990 की पॉपुलेशन आपको नोन है, आपको सपोज दैट पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 1930 की. कैलकुलेट किसकी करनी है, 1930 की. तो क्या हो गया, तब डीके एन कैसे आएगा, 1930 माइनस 1990 बाई 10, ठीक, सॉरी ये 1990 की पता है तो हमें सपोज दैट कैलकुलेट करनी है 2030 की, ठीक. तो क्या हो जाएगा ये 2030 माइनस 1990 बाई 10, तो कितना हो गया, 40 आ जाएगा ये, 40 बाई 10 इक्वल टू 4, ठीक. तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 4. तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ डिके, मतलब हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी डिके वी हैव टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, दैट इज p. और p नॉट इज अ नॉन पॉपुलेशन, नॉन पॉपुलेशन, नॉन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन एनी सेंसेस, वट एवर इज द योर प्रीवियस सेंसेस, जिसमें भी आपकी पॉपुलेशन नॉन हो, सपोज दैट 1990 2000, जहाँ की मतलब पॉपुलेशन हमें पता है जिस टाइम की, वो क्या है, P नॉट, और जिसकी कैलकुलेट करनी हो क्या है, P. तो और N क्या हो गया हमारा, देखो P नॉट हो गया नॉन पॉपुलेशन, ठीक, नॉन पॉपुलेशन हो गई P नॉट, जो भी हमारा, जो भी गिवन सेंसेस हो, लेटेस्ट गिवन सेंसेस का डेटा हमारे पास होता है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, P नॉट, P नॉट हो गया, और P हो गया आपका फॉरकास्टेड, फॉरकास्टेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है. एन क्या हो गया, नंबर ऑफ डिके, ठीक, और एक्स बार क्या हो गया, एक्स बार हो गया मीन ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. मीन ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ये हम आपको भी आगे जब एक क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा. ऐसे क्या होता है कि जैसे हमारे पास पी सपोज दैट 1980 की पॉपुलेशन पता है, पी 1990 की पता है, पी 2000 की पता है, तो ये हमें सपोज दैट पता है, हमें निकालना है सपोज दैट 2020 की. तो इसमें जो इंक्रीज होगा इनकी पॉपुलेशन में, उसका जो हम एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा, एक्स बार. एक्स बार डिटेल में जब हम आपको एक अभी कन्वेंशनल क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें सारा कुछ समझ में आएगा कैसे हमने कैलकुलेट करा एक्स बार. बेसिकली हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन मेथड में पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार. पी नॉट क्या है, नॉन पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन सेंसेस, और पी क्या होगा, फॉरकास्टेड पॉपुलेशन, जो हमें कैलकुलेट करना है. एन क्या होगा, नंबर ऑफ डिके, मतलब जो हमारा नॉन पॉपुलेशन है उससे कितने डिके के बाद हमें फॉरकास्ट करना है. सपोज दैट हमें 2000 का लेटेस्ट पॉपुलेशन पता है और निकालना है 2040 का, तो 2040 का निकालोगे जब, तो 40 साल बाद, तो इसका मतलब 4 डिके, ठीक. और एक्स बार क्या होगा, जो भी हमारा नोन डेटा होगा, जो 2000 या 2000 पहले की जितने भी सेंसस की पॉपुलेशन पता होगी, उसमें जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज करा होगा उसका मीन है, ठीक. और ये मीन कैसे निकलेगा, अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा. सेकेंड वन आपका कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन मेथड. हाँ, ये क्या नाम है, अर्थमेटिक मीन मेथड कंप्लीट हो गया. अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड कब यूज करते हैं हम, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज कब करते हैं, जब हमारा पॉपुलेशन का रेट कांस्टेंट हो. जैसे हमने एस कर्व बनाया था, जैसे हमने यहां पे एस कर्व बनाया था ऐसे, तो यहां पे क्या होता था, स्लोप फिक्स हो जाता था. तो ये जो पोर्शन हुआ, इस पोर्शन में जो पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप वेरी नहीं कर रहा है. यहां पे देखो स्लोप ऐसे 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 कर्व का बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा हो गया एंगल, तो ये क्या हो गया, स्लोप इंक्रीज हो गया. और यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है. तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में
हमारा डीपी बाई डीटी क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। डीपी बाई डीटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। सेकेंड वन इज क्या हो गया, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन, ठीक। देखो इन तीन टर्म से तो हम फैमिली है, पी पी नॉट एन, यहां पे क्या नया टर्म आ गया आर। पी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ लेटेस्ट नोन सेंसेस। पी नोट क्या हो गया, सॉरी पी नोट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ लेटेस्ट नोन सेंसेस। पी क्या है, फॉरकास्टेड पॉपुलेशन, जो हमें कैलकुलेट करनी है। एन हो गया नंबर ऑफ डिके। आर क्या होता है, मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। देखो मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब हुआ, कि हमारे पास सपोज दैट कि कोई चार पॉपुलेशन पता थी, सपोज दैट 1980, 1990, P 2000, तीन टाइम की पॉपुलेशन पता थी, या 2010, ठीक। अब अगर हमें इस सेंसेस की पॉपुलेशन पता है, इस सेंसेस की पॉपुलेशन पता है, इसकी इसकी, तो हमारा इंक्रीज क्या होगा, इस जब 1980 के बाद 1990 में जो भी पॉपुलेशन हुआ, सपोज दैट यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे जेड था, यहाँ पे पी था, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 के बाद 99 में एक्स माइनस वाई, ठीक। और यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, वाई माइनस जेड, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, जेड माइनस पी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और निकालना क्या, परसेंटेज इंक्रीज, मतलब पहले कितना था और अब कितना इंक्रीज हो गया, एक्स माइनस वन इंक्रीज हो गया, और 1980 में पॉपुलेशन क्या थी, एक्स, तो एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू हंड्रेड, इसी तरह वाई माइनस जेड बाई वाई इंटू हंड्रेड, जेड माइनस पी बाई जेड इंटू हंड्रेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और इन तीनों का जब हम मीन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर, ठीक। इन तीनों का जब हम मीन ले लेंगे तो आर आ जाएगा। और इसमें मीन के भी दो तरीके होते हैं, जो हम ये मीन निकालते हैं इसका, मीन दो तरीके से निकालते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, एक अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीन तो आपको पता है कि क्या होता है, अर्थमेटिक मीन तो पता है आपको क्या होता है, अगर एक्स एक्स वाई जेड पी का लेना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बाई फोर। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी की पावर वन बाई फोर, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और ये आगे हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकल के आ रहा है। तो दूसरा क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट है ये कॉन्स्टेंट नहीं होती, बढ़ती रहती है, ठीक। अब उसके बाद थर्ड वन आपका क्या होगा, थर्ड वन हो गया आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड कंप्लीट हो गया, और थर्ड वन आपका होगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। थर्ड वन क्या है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। देखो उसमें हम कैसे पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। तो आर क्या हो गया यहां पे, मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, ठीक। और वहां पे हमारा एक्स बार क्या होता था, मीन ऑफ इंक्रीज, जो आपका अर्थमेटिक मीन मेथड था, वहां पे एक्स बार क्या लेते थे, मीन ऑफ इंक्रीज, जो भी हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। जैसे यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई आएगा, यहाँ पे वाई माइनस जेड आता, जेड माइनस पी आता, तो इनका मीन ले लेते सीधे। तो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज इंक्रीज, तो जो हमारा इंक्रीज हुआ वो प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में उसका परसेंटेज क्या है, उसका जब मीन लेंगे तो क्या होगा हमारा, आर। और मीन लेने के भी दो तरीके हैं, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ये हम आगे कर लेंगे कैसा होता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। थर्ड वन है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो लिख लो, पी इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वाई बार, ठीक। पी क्या है, फॉरकास्टेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन
which we are going to know. और P note क्या है? Population of latest known census. ठीक? और N क्या हो गया? Number of decay. X क्या हो गया? X bar हो गया आपका same जो हमने पहले पढ़ा था arithmetic increase में, sorry हाँ arithmetic increase method में X bar क्या होता था? Percentage of population increase. ये X bar हो गया. Y bar क्या होता है? Y bar होता है जो भी हमारा increase हुआ है population, उस पे जो increase आया उसका mean. Population of, sorry, ये Y bar होता है mean of increased population, mean of increased population over the increased population. इसका क्या मतलब है? Mean of increased population over the increased population. इसका ये मतलब है कि जो हमारा X bar आएगा, first time हमने क्या करा? Increased population निकाल लिया. कि 1990 में suppose that हमारा X था population, 2000 में Y हो गया. तो 1990 से 2000 में हमारा कितना population increase हुआ? X minus Y. ठीक. अब ये जो इंक्रीज हुआ x माइनस y आया, इसी तरह फिर आपका 2000 से 2010 तक जो भी हमारा पॉपुलेशन आएगा वो भी कुछ माइनस करा हमने. 1990 से 2000 माइनस करा तो आया पॉपुलेशन. फिर 2000 से 2010 को माइनस किया तो जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन हमारी आ गई. अब जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होगा? वाई बार. इंक्रीज पॉपुलेशन, मीन ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन ओवर इंक्रीज पॉपुलेशन. ठीक. तो ये हमारा वाई बार हो जाएगा. अब ये कैसे निकलता है डिटेल में जब हम ये अभी क्वेश्चन करेंगे. जैसे हमने बोला कि 2000 में इतना था, 1990 में इतना था, 1980 में इतना था. अब सपोज हमें 2030 में निकालना है, तो जब 2030 में निकालेंगे तो एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे. डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि हम किससे क्या माइनस कर रहे हैं. ठीक है. अभी एक हम क्वेश्चन लेंगे अच्छा सा और उस क्वेश्चन को सारे मेथड से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन को. तो इससे हमें यह भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से मेथड में किस रेट से बढ़ रहा है, किस मेथड में किस रेट से बढ़ रहा है, तो किस शहर के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा. किसी में आप रिजल्ट निकालोगे ज़्यादा आएगा, किसी मेथड से रिजल्ट कम आएगा, किसी से उन दोनों के बीच में आएगा. तो इससे हमें एक कॉम्पिटेटिवली आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन से मेथड से पॉपुलेशन निकालने पर क्या क्या वैल्यू आ रही है. तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस शहर के लिए कौन सी वैल्यू लगानी है. कोई नया शहर बन रहा है, कोई बहुत पुराना शहर है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ के आ रही, रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, कोई नया शहर है तो हम वो मेथड लेंगे. क्योंकि नया शहर में बहुत सारा से सारा माइग्रेशन भी होता है तो पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. अगर आपका कोई सेचुरेट शहर है वो बहुत पुराना शहर है तो वहाँ पर अचानक से तो होगा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो वहाँ जो रेट होगा वो नॉर्मल होगा. तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो ये सारा वन बाई वन हम देखते रहेंगे. ठीक. तो एक्स बार क्या हो गया? मीन ऑफ अर्थमेटिक इंक्रीज. Arithmetic increase ये क्या mean of y bar को क्या लिखेंगे? mean over arithmetic increased population. ये कौन सा मीन हो गया? जो x बार आएगा, जो हमारी मीन मीन पॉपुलेशन है इंक्रीज, या जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उस पर जो इंक्रीज होगा उसका मीन क्या होगा? y बार. अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा मेथड है? हमने बताया था डिक्रीजिंग रेट मेथड. ये चीज़ वैसे क्लियर हो गई होगी. अभी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा इसमें कि वाई बार एक्स बार कहाँ से कैसे आ रहा है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्स बार और वाई बार का क्या मतलब है. और एन तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ डिके है, पी नोट भी आपको पता है और पी भी पता है. ठीक. अब नेक्स्ट देखते हैं आपका डिक्रीजिंग रेट मेथड. डिक्रीजिंग रेट मेथड ये एक्चुअली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा पॉपुलेशन सेचुरेट हो गया हो, कि हमें पता हो कि अब इस शहर की आबादी बढ़ने वाली नहीं है, अब टाइम के साथ क्या होगी? घटेगी. तो जो बहुत ही ओल्ड सिटी हैं जहाँ पे सारी इंडस्ट्री वगैरह के अब लगने के कोई चांसेस नहीं है, सारी की सारी जगह ऑक्युपाई हो गई और बहुत पुराना शहर है, तो उस जगह पर क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो हम उनको ऐसे शहरों के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी सेचुरेशन कंडीशन में आ चुकी हो, ऑलरेडी पॉपुलेशन का वो सेचुरेट हो चुकी हो, बढ़ने के कोई चांसेस ना हो. तो डिक्रीजिंग रेट मेथड में हम क्या करते हैं,
ये इसको ऐसे कर लेते हैं, पी नॉट प्लस आर माइनस आर डैश बाई 100 इंटू पी नॉट। इस मेथड में सबसे जो इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी होता है वो ये होता है कि हम डायरेक्टली जैसे सपोज दैट कि 2000 लास्ट सेंसस हमारा जो नोन पॉपुलेशन है 2000 है, उससे पहले हमारा 90 का पता होगा 80 का पता हो, तो अगर हमें 90 के बाद सपोज दैट डायरेक्टली 2030 का पॉपुलेशन निकालना हो, सपोज दैट लेटेस्ट जो हमारी सेंसस थी वो 2000 थी और हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करना हो 2030 का, तो हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है एक एक सेंसस का ही कर सकते हैं। सपोज दैट हमें 2000 लास्ट नोन सेंसस है, 2000 का पॉपुलेशन पता है, तो अगर हमें 2030 का कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 2010 का निकालेंगे, फिर 2020 का निकालेंगे, फिर 2030 का निकालेंगे। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें कैलकुलेशन करनी रहती है आफ्टर वन डिके आफ्टर वन डिके आफ्टर वन डिके, फिर हमें जो भी डिके होगा, अगर सपोज दैट जो लास्ट सेंसस है उसके बाद हमें 5 डिके के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, कि अगर हमें 2000 की पॉपुलेशन पता है कि 2000 में क्या पॉपुलेशन थी किसी सिटी की और 2050 की निकालना है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये 5 स्टेप में कैलकुलेट कर पाएंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे 2010 की, फिर 2020 की, फिर 2030 की, फिर 2040 की, फिर 2050 की। तो इस मेथड का एक ड्रॉबैक होता है। और बाकी और ये यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जब हमारे शहर की पॉपुलेशन क्या हो, सेचुरेट हो गई हो, बढ़ने के चांसेस ना हो। अब आर क्या होता है, आर होता है हमारा जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, आर क्या होता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, इसका हम क्या निकाल लेते हैं मीन ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। और जो हमारा इंक्रीज पॉपुलेशन है, देखो यहाँ पे क्या था, हमें ये चीज़ पता थी कि ये डिक्रीजिंग रेट मेथड का भी यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन रेट डिक्रीज हो, जब हमारा पॉपुलेशन का रेट डिक्रीज हो, मतलब शहर हमारा सेचुरेट हो जाए और पॉपुलेशन को जो बढ़ने की टेंडेंसी है, जो बढ़ने का रेट है, जैसे एक साल में 10 लाख बढ़ रही थी पहले, फिर अगले साल में 10 लाख और बढ़ती, तो वो रेट घट जाए, कि मान लो करंट में मान लो जो हमारा बढ़ने का रेट आ रहा था वो 1 लाख 10 लाख पॉपुलेशन थी, वो 1 लाख और बढ़ जा रही थी, तो क्या होगा, बढ़ने का रेट घट जाएगा, 50,000 और बढ़ेगी, फिर 30,000 और बढ़ेगी, तो जो भी हमारे आगे आने वाले सेंसेस होंगे उसमें क्या होगा, इसका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट घटता जाएगा। पॉपुलेशन तो ओवरऑल बढ़ेगी कुछ ना कुछ, लेकिन जो उनका बढ़ने का रेट था वो घटता जाएगा। तो वाई बार क्या होता है, सॉरी आर डैश क्या होता है, आर डैश होता है जो हमारा डिक्रीज पॉपुलेशन है, जो रेट, जैसे जो यहाँ पे हमने मीन निकाला, आर निकालोगे तो आप जो परसेंटेज में जब पॉपुलेशन का ये परसेंटेज इंक्रीज जो निकालोगे इसकी वैल्यू घटती जाएगी। कैसे घटती जाएगी, कि 2010 में 1 लाख थी, अब 2010 में आपका हो गया 1,10,000, अब 2020 में क्या होगा, 1 लाख, पहले 10 साल में 10 लाख बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई, सॉरी 1,10,000 हो गया, तो 2020 के बाद 1,12,000 हो गया, 15,000 हो गया, मतलब पहले 10,000 बढ़े थे, अब 10,000 नहीं बढ़ा, 10,000 से कम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। बात समझ में आ रही है, किसे देखो हमारा 2000 में सपोज दैट 1 लाख था पॉपुलेशन, 2000 में 1 लाख था, अब 2010 में क्या हो गया, 1,10,000 हो गया, तो इन 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, सपोज दैट 10,000, तो अब 2010 में पॉपुलेशन 1,10,000 आ गई, अब 2020 में पॉपुलेशन पिछले जो 2000 से 2010 के बीच में 10,000 बढ़ी थी वो घट के और कुछ कम हो जाएगी, तो मतलब अब 2020 में निकालेंगे तो हम क्या होगा, 1,15,000 सपोज दैट, तो अगले 10 साल में कितनी बढ़ी, 5,000, तो जो पॉपुलेशन का रेट होगा इंक्रीज होने का वो क्या है, घट रहा है। तो यही आर हमारा क्या है, आर हमारा है मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन, तो जो परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, उसका रेट घटता जाएगा, तो उनका जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, आर डैश, ये होगा आपका मीन ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक। इसका क्या मतलब है, अगर तुम्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है अभी, तो जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ये, कि आर हो गया मीन ऑफ इंक्रीज, और जो हमारा इंक्रीज का रेट होगा, जैसे अब जो बताया था हमने कि पहले 5 बढ़ा 10 बढ़ा, तो जो इंक्रीज का रेट होगा घटेगा, तो वो जो घटेगा उसका जो मीन होगा वो आर डैश होगा। ये कैसे निकलेगा आपको अभी पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है ये मेन मेथड, तो एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक हमारा क्या होता है ग्राफिकल मेथड।
अब ग्राफिकल मेथड में क्या हम करते हैं आपको भी पता चल जाएगा। ग्राफिकल मेथड का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जैसे सपोज दैट हमें हमने कोई नया शहर बनाया, या मतलब हमारा कोई शहर है, जैसे हमारा कोई सपोज दैट दिल्ली शहर है, तो दिल्ली शहर में हम ये देखेंगे कि 1950 में क्या पॉपुलेशन थी, फिर 1960 में, फिर 1970 में या 1980 में, या सपोज दैट कि 1970 की पॉपुलेशन नोन है, 80 की नोन है, 90 की नोन है, 2000 की नोन है, 2010 की नोन है। अब यहाँ की पॉपुलेशन हमें निकालनी है 2030 की। तो इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, और कुछ ऐसे शहर का डेटा लेते हैं, और कुछ ऐसे शहर का डेटा लेते हैं जिनका जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो इसी के पैटर्न पे हुआ। जैसे जो इंक्रीज का रेट था, टोक्यो ले लिया हमने, न्यूयॉर्क ले लिया, तो दिल्ली की पॉपुलेशन जो 1970 से 2000 तक बढ़ी है, उस सेम बढ़ने का रेट क्या है, टोक्यो का भी है, यूएस का भी है, ठीक। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे कि अगर उन्होंने 2030 की जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करी है उन्हीं के पैटर्न पर हम उसको डायरेक्टली ले लेंगे, या ऐसे दो तीन शहर हैं तो उनका हम मीन ले लेंगे। जैसे कैसे, देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता गया, ये सपोज दैट 2000 में पॉपुलेशन, ये 2010 में हो गई, ये 2030 में हो गई, 20 में हो गई, तो ऐसे हमारा ये टाइम हो गया, पॉपुलेशन हो गई। तो मान लो कि ये हमारा कोई दिल्ली शहर है, ये दिल्ली शहर की पॉपुलेशन हो गई, सेम यूएस की हो गई, सेम जापान की हो गई, सेम कनाडा की हो गई, मान लो चार शहर हैं। अब से लेके 2020 तक क्या हुआ, 2000 से लेके 2020 तक सेम रेट में पॉपुलेशन बढ़ी है इन चारों शहरों की, सेम रेट से इन चारों शहरों की पॉपुलेशन बढ़ी है, सपोज दैट। तो हम क्या करेंगे कि मान लो 2050 की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है, 2050 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो इन जो हमारे तीन नोन शहर थे, हमने क्या लिया था, टोक्यो लिया था, न्यूयॉर्क लिया था, कनाडा लिया था, जो भी कंट्री ले लिया कोई, तो वहाँ का जो नॉन पॉपुलेशन होगा, जैसे वहाँ पे 2020 से 50 के बाद हमारा ऐसे रेट बढ़ा है, न्यूयॉर्क का ऐसे बढ़ा है, ठीक है, टोक्यो का ऐसे बढ़ा है, तो हमें जब अपना निकालना होगा तो यहाँ पे जो इनकी तीनों पॉपुलेशन है इन तीनों का मीन ले लेंगे, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे और सीधे 2050 की दिल्ली की पॉपुलेशन बता देंगे। तो ये मेथड हो गया कौन सा, ग्राफिकल मेथड। पहले हमने तीनों शहर का निकाला, पैटर्न देखा कि हाँ से जो टोक्यो की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जैसे हमारी न्यूयॉर्क की बढ़ रही थी, वैसे दिल्ली की बढ़ी है 2020 तक सेम पैटर्न में। अब हमें दिल्ली का निकालना है 2050 में क्या होगा पॉपुलेशन, तो हमें कुछ नहीं करना है, टोक्यो, यूएस और कनाडा का डेटा लेना है और देखना है कि उनकी पॉपुलेशन 2050 में क्या है, या क्या उन्होंने फोरकास्ट करा है, जो भी होगा तो उनका हम एवरेज लेके सीधे बता देंगे कि दिल्ली की पॉपुलेशन होगी। ये क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड। बस इसमें क्या होना चाहिए, इसकी जो इसके लिए जो हमारी कंडीशन वह होनी चाहिए कि जो भी हमारी नॉन सेंसेस की पॉपुलेशन है वो उनके बढ़ने का पैटर्न और शहरों की जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका सेम होना चाहिए। बस कि मतलब अगर 2020 तक जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का रेट था, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, वो तीनों की सेम रेट से इंक्रीज होनी चाहिए। तो आगे का हमें क्या होगा, उन तीनों की जो पॉपुलेशन निकलेगी उसका एवरेज लेके निकाल लेंगे, ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं हम एक, और उस क्वेश्चन को सारे के सारे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, आपके जेई और स्टेट सर्विसेज में, जेई में बहुत बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। और प्री में क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि प्री में कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। पहली चीज़, वैसे जब अभी रिजल्ट निकालेंगे तो और क्लियर होगा कि किस किस शहर की पॉपुलेशन कितनी बड़ी, सेम मेथड से हमें नॉन सेंसेस की पता थी, हम अलग अलग मेथड से निकालेंगे तो हमारे अलग अलग सारे मेथड्स के रिजल्ट आएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें, किसी में ज़्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, तो जिसमें ज़्यादा आ रहा है उसको हम कहाँ यूज़ करें, अगर किसी मेथड से कम पॉपुलेशन फोरकास्ट होकर आ रही तो उसे कहाँ यूज करें, तो ये सारी चीज़ें हमारी भी क्लियर हो जाएंगी उस क्वेश्चन को करने के बाद। तो उसके बाद मैं बता दूंगा कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन का तरीका होगा करने का वो तुम्हारे किसके लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसी से रिजल्ट को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, वो हम देखेंगे कि इसे अर्थमेटिक मेथड में क्या आई पॉपुलेशन, इसमें क्या आई, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से में किसमें बढ़ रही है, किसमें घट रही है, किसमें नॉर्मल है, तो उस हिसाब से हम सबको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको मैं लिखता हूँ, क्या ये क्वेश्चन हमारा किसी सिटी का 1921, 31, 41, 51, 61, 71, 81
ये आपके 7 सेंसेस के पॉपुलेशन नोन है। ये 2021 में ये पॉपुलेशन है, 31 में ये है, 41 में ये है, 51 में ये है, 61 में ये है, 71 में और 81 में ये है, ठीक। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 2010 की पॉपुलेशन, इसी जिस शहर की ये पॉपुलेशन है उसका हमें 2010 का पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है इन चारों मेथड से। फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, सेकेंड वन इज जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग रेट मेथड। तो हमें अब क्या होगा, हमें लेटेस्ट नोन पॉपुलेशन कौन सी है, 1981। तो 1981 हमारी लेटेस्ट नोन पॉपुलेशन है और ये आपका डेटा है सेंसिस का, 21 का, 31 का, 41 का, 61, 71, 81। अब हम इन चारों मेथड से क्या करेंगे, उसी सिटी का 2010 का पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले किससे करेंगे, सबसे हम पहले करेंगे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अब देखो इसे कैसे करते हैं, ये हमारी टेबल ऐसे ही रहेगी, इसी टेबल से ही हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्या है, अर्थमैटिक इंक्रीज मेथड, अर्थमैटिक इंक्रीज मेथड, आपको पता है अर्थमैटिक इंक्रीज मेथड में हमने क्या बताया था, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक। और ये P कौन सा है, ये है 2010, हमें किसकी पॉपुलेशन निकालनी है, 2010 की। और हमारा लास्ट नोन सेंसिस क्या है, 1981। अब हमें 2010 की पॉपुलेशन निकालने के लिए अर्थमैटिक मीन मेथड से क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होना चाहिए, P नॉट, N और X बार। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये ध्यान रहे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है और क्या क्या नोन है, या जो चीज़ कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमें पी 2010 की कैलकुलेशन पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें ये तीन डेटा रिक्वायर होंगे। तो हमेशा क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया होगा, या तो ये तीन डेटा दिए होंगे, या तो इन तीन डेटा को कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया होगा, ठीक है। तो मतलब ये तीन हमें फाइनली कैलकुलेट करना है, या तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा, या तो इन तीनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा, ठीक। तो हमेशा अब क्या करना है, हमें 2010 का निकालना है, तो हमें पी नोट चाहिए, एन चाहिए, एक्स बार चाहिए, ठीक। अब पी नोट हमने क्या बताया था, क्या होता है पी नोट, होता है कि जो हमारा लेटेस्ट नोन सेंसेस की पॉपुलेशन है। तो हमारा लेटेस्ट नोन सेंसेस कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, 1981, ठीक। तो 1981 की पॉपुलेशन हमें पता है, ठीक। तो ये पी नोट क्या हो गया, यहाँ पे पी नोट क्या हो गया, पी नोट हो गया 158800, ठीक। अब पी नोट पता चल गया। अब दूसरा चाहिए क्या, एन, एन क्या होता था, नंबर ऑफ डिके, एन क्या होता था, नंबर ऑफ डिके, नंबर ऑफ डिके क्या होता था, जो हमारी लास्ट नॉन सेंसेस है और जो हमारी करंट सेंसेस है उसके बीच में कितने डिपे का, डिके का डिफरेंस है, डिके मतलब 10 ईयर, तो कितने डिके का, कितने हमारे डिके का डिफरेंस है, क्योंकि जनरली डिके हम इसलिए 10 ईयर लेते हैं क्योंकि हमारी जो सेंसेस होती है वो जनरली 10 साल पे होती है, तो एक डिके हमारा कितने का होता है, 10 ईयर का। अब देखो, अब हमारी जो नॉन पॉपुलेशन है वो कौन सी है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो हमारी लास्ट, जो हमारा नॉन सेंसेस का ईयर है कौन सा है, 1981, ठीक। और जिसमें हमें कैलकुलेट करना है वो कौन सा है, 2010। तो हम कैसे निकालेंगे, 2010 माइनस 1981, इसको 2010 को सॉरी 2011 कर लो, ठीक, क्योंकि हमारा जो सेंसेस का पैटर्न है वो फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप 10 की भी निकाल सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, ये क्या हो गया, 30/10 इक्वल टू 3। हाँ, ध्यान रखना कि मतलब सपोज दैट 81 तो हमने ये 2011 इसलिए कर लिया कि ये सेम पैटर्न फॉलो करो, और इन जनरल हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इसी पैटर्न पे पूछते हैं। सपोज दैट उसने नहीं पूछा, ये 1980 है, उसने पूछ लिया कि 2005 की बताओ पॉपुलेशन, तो 2005 के लिए मैन की वैल्यू सेम ऐसे ही निकालेंगे, 2005 माइनस 1981 बाई 10, तो यहाँ से एन की वैल्यू जो भी आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन की वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, नंबर ऑफ डिके पॉइंट में भी आ सकता है, क्योंकि हम जल्दी निकालते हैं डिज़ाइन पीरियड पे। अगर हमारा डिज़ाइन पीरियड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लगभग 30 साल का होता है, तो 30 साल सपोज दैट हमने हमारी ये
21-31 के पैटर्न में नॉन पॉपुलेशन है। हमने जब काम शुरू किया वो कुछ 20 का था, 85 था या 86 था या 2005 था, तो जब आगे का निकालेंगे तो सेंसेस सेम पैटर्न में जरूरी है ईयर नहीं आ सकता, तो उस केस में क्या होगा हमारा एन पॉइंट में भी आ सकता है। तो हम एन ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे वो जो भी है, अगर पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट्स में पुट करेंगे, अगर हमारा एग्जैक्ट इंटीजर आता है तो इंटीजर में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, जो हमने 2010 लिखा था क्वेश्चन में उसको 11 कर लो, तो हमारा क्या होगा कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी रहेगी बस। बाकी अगर पॉइंट्स में आता है तो आप पॉइंट्स में कैलकुलेट करना। अब देखो हमें एन की वैल्यू पता चल गई, पी नॉट की वैल्यू पता चल गई, अब हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार। एक्स बार कैलकुलेट करना है, एक्स बार क्या होता था, मीन ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। अब यहां से आपके जो टर्म थे एक्स बार, वाई बार, आर, आर डैश, ये सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते थे, यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा कि उन टर्म्स का क्या मतलब है और हम कैसे निकालते हैं। अब देखो एक्स बार क्या होता था, मीन ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, मीन ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। अब इंक्रीज पॉपुलेशन क्या होगी, इसी टेबल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक, अब 1921 में कितना थी, 40,185, और 1931 में क्या हो गई, 44,522, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। देखो अभी तक हमने सारे मेथड्स के नाम पढ़ लिए, कौन कौन से मेथड थे वो, अर्थमेटिक मीन मेथड, उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक मीन इंक्रीज मेथड, थर्ड आपका था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग रेट मेथड, और फिफ्थ आपका था ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या करेंगे, अब ग्राफिकल मेथड में तो हमें पता है कि जो डेटा पता होता है सेम पैटर्न का कंटिन्यूस, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्या है, ये ईयर्स हैं जो सेंसस के हमारे ईयर थे 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, और इस सेंसस में जो हमारी सिटी की पॉपुलेशन थी सपोज दैट ये थी। ठीक, अब हमें करना क्या है कि हमें 2000 सपोज दैट 2011 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाई द फोर मेथड्स। कौन कौन से फोर मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और थर्ड वन आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग रेट मेथड। तो अब देखो हम कैसे इन मेथड से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, और उससे हमें क्या हो जाएगा, ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है उन मेथड्स में। जब एक क्वेश्चन को हम इस सारे मेथड से करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है और कौन कौन से मेथड को कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, वैसे आपको मैं थोड़ा वैसे मतलब ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड होता है, अर्थमेटिक मीन मेथड में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है फाइनली, उसकी वैल्यू और सारे मेथड से कम आती है। तो अभी जैसे हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सारे मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें दिख जाएगा। तो जब हमारा ओल्ड सिटी होता है, जब हमारी पुरानी सिटी होती है, जहाँ पे हमारे पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, कि अब जो हमारा रेट होगा उनका डिक्रीज होगा, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, नए लोग नहीं आने वाले हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड का। लेकिन जब हमारी कोई नई सिटी हो, न्यू सिटी हो, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री खुलेगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन मेथड। और जब हमारा सिटी बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं होती और नई भी नहीं होती, तो इंटरमीडिएट केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक के बीच में आता है। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड में हमारा जो रिजल्ट होता है वो ऑप्टिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और जो अर्थमेटिक में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू आती है। बेसिकली यही तीन मेथड हम यूज़ करते हैं। और जो हमारा डिक्रीजिंग रेट मेथड है, उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारा सिटी सेचुरेट हो जाए, मतलब अब वहाँ पे बढ़ने की, पॉपुलेशन बढ़ने का एकदम चांस जीरो हो गया, तो उस केस में क्या होता है, लोग वहाँ से इधर उधर निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज होने लगती है। ठीक, तो जब सिटी में सेचुरेशन आ जाए, उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिक्रीजिंग रेट मेथड। ठीक, तो हम देखते हैं वन बाय वन कि कैसे क्या क्या वैल्यू निकल के आती है। अभी क्वेश्चन जो है ये है, फाइंड दी या कैलकुलेट दी पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2011। ठीक, अब 2011 में हमें सिटी की पॉपुलेशन निकालनी है, और कौन से, चारों मेथड से निकालनी है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, और आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, एंड आपका डिक्रीजिंग रेट मेथड। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे,
सबसे पहले शुरू करेंगे हम इंक्रीजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड। तो हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड, ये डेटा आपका, ये क्वेश्चन है, सारे डेटा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, पहला हो गया अर्थमेटिक मीन मेथड। अब देखो, ठीक, अब अर्थमेटिक मीन मेथड में हमें पता था जो पॉपुलेशन पी हमारी फॉर जो पॉपुलेशन फॉरकास्ट करनी थी, आई थिंक मीन्स फॉरकास्टेड पॉपुलेशन पी इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार, ये तो हमें पता ही है। अब हमें पॉपुलेशन पी कैलकुलेट करनी है 2011 की, तो और लास्ट नोन सेंसस जो है हमारी उसकी पॉपुलेशन क्या है 1981। तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म आए हमें पी कैलकुलेट करने के लिए, पी नोट चाहिए, एन चाहिए, एक्स बार चाहिए, ये तीन चीज़ें चाहिए। तो पी नोट क्या होता था हमारा, पी नोट होता था पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन सेंसस। तो लास्ट नोन सेंसस हमारा कौन सा है, 1981, तो उसकी जो पॉपुलेशन है 158800, ये क्या होगा, ये हमारा होगा पी नोट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, पी नोट हो गया आपका 158800, ठीक। उसके बाद आपका एन, एन क्या होता था, नंबर ऑफ डिके। अब नंबर ऑफ डिके देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिके जो एन होगा, जो हमारी जिस पॉपुलेशन में हमें जिस ईयर में पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है और जिस जो लास्ट नॉन सेंसिस था, उन दोनों को डिफरेंस को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिके। अब हम 10 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारी सेंसिस होती है वो एक सेंसिस का टेन्योर 10 ईयर का होता है, एक सेंसिस का टेन्योर 10 ईयर का होता है, तो हमें ये निकालना रहता था कि कितने सेंसिस हुई। तो अब यहाँ पे देखो, हमारी जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 2011 है और हमें लास्ट नोन पॉपुलेशन 1981 है, डिवाइड बाई 10, तो क्या आ गया आपका 3, तो नंबर ऑफ डिके हो गया 3, ठीक। अब नया, अब आया आपका एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है एवरेज ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, क्या, एवरेज ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। अब एवरेज ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन या मीन ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, सबसे पहले हमें इंक्रीज पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो इंक्रीज पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। अब इंक्रीज पॉपुलेशन क्या होगी, इससे इसको माइनस करते जाएंगे, इससे इसको, 2001 में है, 31 में हो गया, तो ये माइनस से क्या आ जाएगा, इंक्रीज पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले कॉलम को ऊपर वाले, नीचे वाले इस रो को ऊपर वाले रो से माइनस कर जाएंगे, इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये, इससे ये, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इंक्रीज पॉपुलेशन। अब देखो, तो ये हो गया आपका 44522 माइनस 40185 4337 ये क्या हो गया आपका 4337, ठीक। अब आपका 60395 माइनस 44522 तो क्या आ गया आपका 15873 75614 माइनस 60395 तो क्या आ गया आपका 15219 98886 माइनस 75614 तो आपका क्या आ गया 23272 124230 माइनस 98886 तो आपका क्या आ गया 25344, ठीक। उसके बाद आपका 158800 माइनस 124230 क्या आपका क्या हो गया 34570 ये क्या आ गया आपकी इंक्रीज पॉपुलेशन आ गई। हमने इससे इसको माइनस किया तो इस 10 ईयर की इंक्रीज पॉपुलेशन, फिर इससे इसको तो इस 10 ईयर की, इससे इसको, इस 10 ईयर की, इससे इसको, इस 10 ईयर की, तो इस तरह में क्या पता चल गई कि हर 10 ईयर में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब 81 में कुछ था, फिर जो 91 में हमारा पॉपुलेशन हुआ कितनी बढ़ी। अब इसका हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स बार, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, इनका एवरेज देखो हम ले लेते हैं 34570 प्लस 25344 प्लस 15219 प्लस 15873 प्लस 4337
ये आ गया आपका 158905, ठीक, ये वैल्यू आपकी आ गई x बार की, ठीक। इसमें एक बार मैं चेक करता हूँ, तुम्हारा इसका एवरेज क्या आ गया, 19768.8, ये आएगा फाइनली एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6 इन 6 डेटा का सम करेंगे और सम करके डिवाइड बाय 6 कर देंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइड बाय 6, क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 डेटा है। तो इसका एवरेज निकल आया हमारा एक्स बार ये। अब इससे हम क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू आ गई 19768.8, ठीक। अब हम पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे 2011 तो क्या हो जाएगा, पी नोट, पी नोट की वैल्यू क्या है, 158800, ठीक, प्लस एन इंटू एक्स बार, एन क्या है हमारे नंबर ऑफ डिकेज कितने, 3, एक्स बार कितना आ गया 19768.8, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखें कितना आता है, ये 218106.5, ठीक। तो इसकी वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 218107, ये हो गया आपका पी 2011। तो ये 2011 की पॉपुलेशन आ गई अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड से हमारी क्या आ गई पॉपुलेशन 2011 की, 218107, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को हम निकालेंगे दोबारा ज्योमेट्रिक मीन मेथड से, इसी क्वेश्चन को दोबारा कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन मेथड से। अब देखो, ज्योमेट्रिक मीन मेथड से निकालेंगे, अब ज्योमेट्रिक मीन मेथड का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता था, पी इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, ठीक, पी नोट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, पी नोट का हमें सेम पता है, मतलब क्या है, पी नोट क्या है, सेंसेस ऑफ लास्ट नोन पॉपुलेशन, दैट इज 158800, ठीक। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टेन्योर, जो हमें पहले से पता है 3 होता है, हमने 3 निकाल रखा है। अब हमें चाहिए r, r क्या होता था, r होता था मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, मीन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज ग्रोथ। अब हम परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ग्रोथ हमारा जो होगा, परसेंटेज ग्रोथ या परसेंटेज इंक्रीज, ये हमारा इंक्रीज है, ये 1920 से 1931 के बीच, 21 से 31 के बीच हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, और बढ़ी कितनी पॉपुलेशन के बाद, इसके ऊपर, पहले 40185 था, 44522 हो गया, तो हमारा ये इंक्रीज हुआ वैल्यू, और किस वैल्यू के ऊपर इंक्रीज हुई, इसके। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो इंक्रीज है, जो इंक्रीज है और किसके ऊपर इंक्रीज है, इसके ऊपर। तो हमारी परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगी, ये डिवाइड बाई ये इंटू 100, ठीक। तो देखो, हम देखते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 4337 डिवाइड बाई 40185 इंटू 100। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15873 डिवाइड बाई 44522 इंटू 100। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15219 डिवाइड बाई 60395 इंटू 100। तो इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे सबकी परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू निकल के आई 4337 डिवाइड बाई 40185 इंटू 100, क्या आ गई 10.79%, ये कितना आ गई 10.79, ये कितनी आ गई आपकी, ये गई आपकी 15219 डिवाइड बाय 60395 इंटू 100, ये आ गई 25.19, 15873 डिवाइड बाय 44522, वैल्यू आ गई कितना 35.65,
ठीक, ये वैल्यू आ गई आपकी 15219 डिवाइड बाय 60395, ये आ गई आपकी 25.19। ठीक, इसी तरह ये वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड बाय ये 200, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 23272 डिवाइड बाय 75614, ये वैल्यू आ गई आपकी 30.77। ठीक, उसके आगे आपका ये वैल्यू आ गई 25344 डिवाइड बाय 98886, ये वैल्यू आ गई आपकी 25.62। ठीक, और उसके बाद आपकी लास्ट हो गई 34570 डिवाइड बाय 124230 तो ये आपका 27.82। ठीक, तो हमारा हो गया आर। ठीक, अभी हमें परसेंटेज ग्रोथ पता चली, तो आर क्या होगा इसका एवरेज, आर क्या होगा जो हमारी परसेंटेज ग्रोथ है उसका मीन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, कि जनरली जो हम मीन निकालते हैं, जब अर्थमेटिक में मीन निकालना, हमने कि अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, मतलब एवरेज ले लिया हमने उसका, लेकिन यहाँ पे जो मीन निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, यहाँ पे जो हम मीन कैलकुलेट करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। सपोज दैट ये हो गया आपका आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया आर थ्री, ये हो गया आर फोर, ये हो गया आर फाइव, ये हो गया आर सिक्स। तो पहला तरीका है निकालने का आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स डिवाइड बाई सिक्स, पहला ये तरीका हो गया हमारा निकालने का। दूसरा तरीका होता है आपका आर ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स की पावर 1/6, ये चीज ध्यान रखना। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है आर निकालने के लिए, हम ये यूज करेंगे ये यूज करेंगे। तो देखो अब अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ज्योमेट्रिक मीन मेथड जो यूज करें उसमें हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, या जो परसेंटेज ग्रोथ जो है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तब तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे जो गिवन होगा, अगर परसेंटेज ग्रोथ का हम अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इससे निकाल लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन तो इससे। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, ज़्यादा तो कुछ भी मेंशन नहीं होता है, तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करता है, आर की वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करता है। ठीक, तो जब हमें अर्थमेटिक मीन से निकालना होगा तो हम कर लेंगे 10.79 प्लस 35.65 प्लस 25.19 प्लस 30.74 प्लस 25.62 प्लस 27.82 डिवाइड बाय 6। ठीक, और जब हमें ज्योमेट्रिक मीन से निकालना होगा तो हम ऐसे करेंगे 10.79 इंटू 35.65 इंटू 25.19 इंटू 30.77 इंटू 25.62 इंटू 27.82 की पावर 1/6। अब देखो मैं कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, 10.79 इंटू 35.65 इंटू 25.19 इंटू 30.77 इंटू 25.62 इंटू 27.82 पावर 1/6। ये आ गया आपका, एक मिनट, ये वैल्यू कुछ रह आ रही है, 10.79 इंटू 35.65 इंटू 25.19 इंटू 30.77 इंटू 25.62 इंटू 27.82 पावर 1/6, ये आपकी आएगी 24.42। ठीक, अगर इससे हम निकालेंगे तो आर की वैल्यू कुछ और आएगी, और जो आर की वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे तो
तो जनरली हम क्या करेंगे, इस मेथड से निकालेंगे. तो इस मेथड से क्या आ गया, 24.42. अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या आई फाइनली, अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या आई फाइनली इस मेथड से. तो इस मेथड से जो हमारा पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का रिलेशन होता था, क्या होता था, पी नॉट प्लस वन प्लस आर बाई, सॉरी पी नॉट इंटू वन प्लस आर बाई 100 की पावर एन. अब हमें यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू नोन हो गई. पी नॉट क्या हो गया, 158800 इंटू वन प्लस आर की वैल्यू क्या आई, 24.42 डिवाइड बाई 100, एन की वैल्यू क्या है, 3. नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आई 24.42 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 पावर 3 इंटू 158800. तो कितना आ गया ये, 305858.87. अब देखो वहां पे हमारा क्या आ रहा था, 118 करके आ रहा था कुछ समथिंग रिजल्ट. और यहाँ पे हम देखेंगे भी रिजल्ट को आप कंपेयर करना, तो जो अर्थमेटिक मीन से आया था रिजल्ट, उससे इस रिजल्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उससे इस रिजल्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो जब भी हमारा क्या होगा, इससे क्या पता चला कि जब हमारा ओल्ड सिटी होगा, जब ओल्ड सिटी होगा तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी फाइनली 2011 में, वो वैल्यू इससे काफ़ी कम आ रही थी. लेकिन हमने जब ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करा तो 2011 की वैल्यू कुछ चेंज आई. अब दोनों सेम, दोनों केसेस में हम पॉपुलेशन किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, 2011 की, फॉर द सेम डेटा. बट ये देख रहे हैं हम कि ज्योमेट्रिक मीन में जो वैल्यू आई वो पॉपुलेशन की, वो अर्थमेटिक मीन से बहुत डिफरेंट है. ठीक, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन मेथड यूज हम कब करेंगे, जब हमारा ओल्ड सिटी हो, क्योंकि अर्थमेटिक मीन मेथड में जो हमारे रिजल्ट आ रहे क्या है, वो कम आ रहा है इससे. ठीक, और ज्योमेट्रिक मीन में अर्थमेटिक से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है. तो जब हमारा न्यू सिटी होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन मेथड. ठीक, अब इन दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट कर लिया पॉपुलेशन. अब हम तीसरा देखेंगे कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हमारी पॉपुलेशन क्या आती है. अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि जब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगाते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड लगाते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन क्या होती थी, पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वाई बार. अब x बार क्या है, x बार तो हमें पता है क्या होता था, x बार मीन ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन. अब y बार क्या है, y बार हमारा जो इंक्रीज पॉपुलेशन है इसके ओवर इंक्रीज लेंगे, तो इंक्रीज मीन ऑफ इंक्रीज ओवर इंक्रीज पॉपुलेशन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज. तो हम इसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में जो हमारी ये वैल्यू थी, देखो यहाँ पे हमारी R की वैल्यू भी हम आगे एक मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें काम आएगी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. अभी वो वैल्यू काम आएगी, 10.79, 35.65, 25.19, 30.77, 25.62, 27.82. जो भी नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें इस वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, फिर इसलिए इसको हमने लिख दिया है, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो आगे काम आ जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी. अब देखो, अब वाई बार क्या होता है, जो इंक्रीज पॉपुलेशन है इसके ऊपर जितना इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इस इंक्रीज में भी जो इंक्रीज आया उसका जो हम एवरेज लेते हैं वो क्या होता है, दैट इज वाई बार. इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज. अब हमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज लिया, अब उसका जब एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, वाई बार. अब देखो इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या हुआ, यहाँ पे जो इंक्रीज हुई है वैल्यू हमारी, अब यहाँ पे क्या इंक्रीज हुई है, देखो आ जाएगा
15873 माइनस 4337 येगा आपका 11536, यहाँ पे क्या आया 11536। उसके बाद हमने 15219 माइनस 15873, तो क्या आया, ये आ गया माइनस में आ गया है माइनस 654। उसके बाद आपका 23272 माइनस 15219, तो वैल्यू क्या आ गई 8053। यहाँ पे आपका 25344 माइनस 23272 वैल्यू क्या आ गई 2072। 34570 माइनस 25344 तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 9226। ठीक, 9226। अब जब हम इसका एवरेज लेंगे, इन पांचों वैल्यू का एवरेज लेंगे, तो क्या आ जाएगा वाई बार। तो वाई बार हमारा क्या हो गया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइड बाई फाइव। और ध्यान रखना है, बिस साइन रखना है, अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू आ गई तो उसको माइनस के साथ ही पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11536 माइनस 654 प्लस 8053 प्लस 2072 प्लस 9226 डिवाइड बाई फाइव। तो वैल्यू कितनी आई हमारी, आया 6046.6। वाई बार क्या हुआ, जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज है उसका एवरेज ले लिया। ठीक, तो अब देखो पॉपुलेशन क्या आ जाएगी 2011 की इस मेथड से, पी नॉट 158800 प्लस एन की वैल्यू हो गई 3, एक्स बार हो गया आपका 19768.8 प्लस 3 × 3 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई बार क्या हो गया 6046.6। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आई 15800 प्लस 3 × 19768.8 प्लस ये वैल्यू 6046.6। ये हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है आई थिंक, 246246, ये हो गया आपका 3 × 19768.8 प्लस 6 × 6046.6 15800 ये आपका 254386। ठीक, ये पॉपुलेशन कितनी आई 254386। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो सबसे फर्स्ट मेथड था, सबसे फर्स्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन में लगभग 118 आ रही थी, और जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन था उसमें नियर अबाउट कितनी आ रही थी, 30 लैक्स के आसपास आ रही थी, और इसमें हमारा 3 point something lakhs आ गई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2,54,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, उन जब तीनों वैल्यू को आप कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, इंटरमीडिएट में। ये वैल्यू किस में आएगी, इंटरमीडिएट में। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम इस चीज़ का ध्यान रखना, आप चाहे तो की पॉइंट करके लिख लेना, जब हमारा ओल्ड सिटी होती है तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड, क्योंकि उस क्यों, क्योंकि उसमें जो फाइनल वैल्यू होती है वो सबसे कम आती है, जैसा कि हम लोग अभी देख चुके हैं। और जब हमारा न्यू सिटी होती है, जब उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन मेथड, उसमें जो वैल्यू आती है सबसे ज़्यादा आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। और जब हमारा इंटरमीडिएट रेंज की सिटी होती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और ये तीनों क्यों ऐसा करते हैं, आपने रिजल्ट खुद देख लिया कि सेम डेटा के साथ सेम ईयर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने में तीनों मेथड से अलग अलग रिजल्ट आ रहा है।
तो जो रिजल्ट हमारा ऑप्टिमाइज मैक्सिमम है वो ज्योमेट्रिकल मीन, जिसमें कम वैल्यू आ रही हो अर्थमेटिकल, और जिसमें इंटरमीडिएट आ रही हो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमारी ओल्ड सिटी होगी तो अर्थमेटिक मीन मेथड यूज़ करेंगे, जब हमारा नया शहर होगा बस रहा होगा तो हम कौन सा ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज़ करेंगे, और जब हमारा इंटरमीडिएट होगा शहर ना बहुत ज़्यादा पुराना होगा ना वो नया ही बन रहा होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना इसी तीन मेथड से ही क्वेश्चन हम जल्दी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्थ मेथड है आपका डिक्रीजिंग रेट मेथड, जो मैथमेटिकल मेथड वो भी है, उसको भी मैं उस बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें हम कैसे करते हैं। और उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसे हमने पहले ही बताया था कि जैसे ये तीनों मेथड थे, इसमें हमने डायरेक्टली 2011 की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर ली, लेकिन उस मेथड में हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। जो आपका डिक्रीजिंग रेट मेथड है उसमें हम डायरेक्टली 2011 की पॉपुलेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये इसका ड्रॉबैक है। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला तो ये कि वो मेथड तभी यूज़ करेंगे जब हमारा पॉपुलेशन घट रही हो, जब हमारा पॉपुलेशन क्या हो घट रही हो। और दूसरी चीज़ कि उस मेथड में हम अगर 1981 के बाद डायरेक्टली 2011 नहीं कैलकुलेट करेंगे, 81 के बाद सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा 91, फिर 2001, फिर 2011, ठीक। तो उस मेथड का प्रोसीजर क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। उसका जो फॉर्मूला होगा ध्यान होगा आपको, हमने लिखा था पी इक्वल टू पी नॉट प्लस आर माइनस आर डैश बाई 100 इंटू पी नॉट, ठीक। पी इक्वल टू पी नॉट प्लस आर माइनस आर डैश बाई 100 इंटू पी नॉट। अब आर तो हमें पता है क्या होता था, आर क्या होता था, आर होता था ये परसेंटेज इंक्रीज, आर क्या होता था परसेंटेज इंक्रीज, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इससे पहले हमने आर निकाला था ज्योमेट्रिक मीन मेथड में, तो सेम आ रहे हैं। आर क्या हो गया आपका, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज्ड। उस आर का हम एवरेज ले लेंगे, मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज है उसका एवरेज ले लेंगे तो हमारा आर आ जाएगा। परसेंटेज हमारा इंक्रीज कितना था 10.79, यहां पे कितना था 35.65, यहाँ पे कितना था 25.19, यहाँ पे कितना था 30.77, यहाँ पे कितना था, वन सेकेंड, ये हमें वैल्यू क्योंकि इस पॉपुलेशन के बाद इंक्रीज हुआ है तो हमें कहाँ से कैलकुलेट लिखना है, ये वैल्यू कहाँ से लिखनी है, यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 10.79, सेकेंड 35.65, थर्ड 25.19, फोर्थ 30.77, 25.62, और ये हो गया आपका 27.82, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे। तो यहां पे जो आर यूज करते हैं वो जैसे हमने जो ज्योमेट्रिकल मेथड में यूज़ किया था आर, ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे आर कैलकुलेट करने के हमने दो तरीके बताए थे। पहला क्या, ज्योमेट्रिकल मीन से आर निकालना, जो R1, R2, R3, R4, R5, R6 की पावर 1/6 था। दूसरा क्या, अर्थमेटिक से निकालना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 डिवाइड बाई 6। तो वहाँ पे हम आर को सिर्फ इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 6 से। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, 10.79 प्लस 35.65 प्लस 25.19, 30.77 प्लस 25.62 प्लस 27.82 डिवाइड बाय 6। अब देखो ये वैल्यू क्या आएगी, 10.79 प्लस 35.65 प्लस 25.19 प्लस 30.77 प्लस 25.62 प्लस 27.82 आई आपकी 25.97, ठीक। कैलकुलेट करने पे ये आर आ गया। अब आर डेस क्या होता था, आर डेस होता था, ये आर की वैल्यू आ गई। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आर की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी है, क्या करा है, इनका एवरेज लेके 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी आई थी, 27.82 प्लस 25.62
प्लस 27.82 प्लस 25.62 प्लस 30.77 प्लस 25.19 प्लस 35.65 प्लस 10.79 वैल्यू आई थी आपकी 25.97। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आर इज इक्वल टू 25.97। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, इसका एवरेज ले लिया। अब देखो आर डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर डैश होता है परसेंटेज, जो हमने निकाला है परसेंटेज डिक्रीज इन इंक्रीज पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाला है, अब देखो क्या होता है कि जब ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन रेट डिक्रीज कर रहा हो, जब हमारे सेचुरेशन आ जाए, पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगे। तो एक चीज यहां पे देखना, ये देखना कि यहाँ पे क्या होगा, जनरली जब हमें इंक्रीज निकालना होता था, जैसे अभी हमने मेथड यूज़ किया यहाँ पे सारी डेटा यूज़ करे, तो जब इंक्रीज निकालना होता तो क्या करता था, हम नीचे को ऊपर वाले को माइनस करते थे। तो उस केस में क्या होता था, इंक्रीज आता था। अब यहाँ पे वैल्यू 1921 में थी, 31 में बढ़ गई, तो यहाँ से हमने इसको माइनस करा तो क्या आया, ये इंक्रीज। यहाँ पे हमने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज। और जनरली जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू घटती जाती है। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 10.79 है, यहाँ पे वैल्यू 10.79 से कम आएगी या नीचे वाली वैल्यू घटती जाती है, जिस तब हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमारा जो डेटा है ये नॉर्मल डेटा है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, इसी से हम सारे मेथड्स को अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई क्वेश्चन आपसे सिर्फ इसी मेथड पे बेस पूछा जाएगा तो ज़्यादातर ये वैल्यू क्या आएगी, नीचे वाली कम आएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पर बढ़ भी सकती है, कहीं पर घट भी सकती है, तो कुछ भी डेटा आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वैल्यू घटती हुई आती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, तो जब हमने डिक्रीज मेंशन किया तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ठीक। इंक्रीज होता था तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते थे, क्योंकि टाइम के साथ पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादातर बढ़ता है, ठीक। अभी हमने सारा डेटा यहाँ पे जो यूज़ करा है इंक्रीज के लिए, वो नीचे से ऊपर माइनस करा है, क्योंकि टाइम के साथ वैल्यू बढ़ी तो नीचे से ऊपर माइनस करा, नीचे से ऊपर माइनस करा, तो हमारी इंक्रीज वैल्यू आई। बट यहाँ पे हमने डिक्रीज मेंशन कर दिया, ठीक। अगर डिक्रीज मेंशन कर दिया तो क्या करेंगे, हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे को माइनस करेंगे और विद साइन लिखेंगे वैल्यू को। अब देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ये 10.79 माइनस 35.65, तो कितना आ जाएगा, माइनस यहां पे 24.86। इससे ये माइनस करा, ये आ गया, यहां पे ऊपर का हमारा ब्लॉक खाली छूट जाएगा, क्योंकि 230 का डिफरेंस ले रहे हो तो एक ब्लॉक ऑलरेडी कम हो जाएगा, जैसे पहले भी हुआ। उसके बाद आपका 35.65 माइनस 25.19, ठीक है, आ गया 10.46। फिर आपका 25.19 माइनस 30.77, ये क्या आ गया आपका, माइनस 5.58। फिर उसके बाद ये माइनस ये करेंगे, 30.77 माइनस 25.62, तो क्या आ गया आपका 5.15। उसके बाद से आपका है 25.62 माइनस 27.82, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2.2। अब हम इसका एवरेज ले लेंगे, दैट इज आर डैश। अब आर तो हमने ये निकाला है, अब देखो आर डैश कैसे आएगा, आर डैश आएगा माइनस 24.86 प्लस 10.46 माइनस 5.58 प्लस 5.15 माइनस 2.2 डिवाइड बाई 5, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पांच वैल्यूज हैं, तो ये निकल के आया आपका फाइनली माइनस 24.86 प्लस 10.46 माइनस 5.58 प्लस 5.15 माइनस 2.2 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू आ गई माइनस, आर डैश आ गया आपका माइनस 3.406 माइनस 3.406। अब आर की वैल्यू क्या आ गई, 25.97। अब देखो इसमें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, फिर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते जाओगे। अब हमें पी लास्ट क्या पता है, 1981 का, तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, पी 1991 का। अब जो 1991 का पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे पी 1981 का पॉपुलेशन प्लस
R minus R dash by 100 into P 1981. अब जब 1981 के बाद हमें 1981 के बाद हमें फाइनली क्या निकालना था 2011 का, तो फिर 2011 का नहीं निकलेगा. अब 91 के बाद हम निकालेंगे 2001 का, तो जो P 2001 का पॉपुलेशन होगा वो होगा यहाँ पे P नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1991. तो P 1991 प्लस R माइनस 2R डैश डिवाइड बाई 100 इंटू पी 1991. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे सेकेंड टेन्योर आ गया, सेकेंड के आ गया, तो यहाँ 2R डैश हो गया और ये वैल्यू 1991 आ गई और यहाँ पे 1981 थी. अब जब 2010 आएगा, जब P 2011 आएगा सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये P 2001 प्लस R माइनस 3R डैश डिवाइड बाई 100 इंटू पी 2001. तो यहां से हम 2011 की पॉपुलेशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे. सारी वैल्यू हमारे पास नोन है, इसको डेटा को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है. तो ये हमारे सारे मेथड्स हुए. तो हमें इससे क्या कंक्लूजन पता चला कि सबसे पहली चीज तो जब हम किसी सिटी में अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो हम पहले पॉपुलेशन को फोरकास्ट करेंगे. पॉपुलेशन फोरकास्ट के क्या पॉपुलेशन जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस चीज पे डिपेंड करती है. पॉपुलेशन ग्रोथ तीन चीज पे डिपेंड करती है, बर्थ डेथ और माइग्रेशन. सिर्फ तीन चीज पे, चौथा कुछ नहीं. चीज ध्यान रखना, डेथ बर्थ और माइग्रेशन. और जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जनरली किस कर्व को फॉलो करती है, लॉजिस्टिक कर्व, दैट इज एस कर्व. एस कर्व को फॉलो करती है. पहले हमारा जो रेट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो बढ़ता है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर घटने लगता है, ठीक है. पहले हमारा क्या होता है, पहले हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो बढ़ता है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर घटने लगता है, ठीक. इसको हम बोलते हैं एस कर्व. और इसमें हम बेसिकली कौन कौन से मेथड यूज करते हैं. पहला अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड, या फिर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं. और उसके बाद आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट मेथड, और आपका लास्ट क्या था, ग्राफिकल मेथड. एक और हम मेथड यूज करते हैं लॉजिस्टिक कर्व मेथड नाम से, उसका एक इक्वेशन होता है, वो भी वैसे आपको मैं बता देता हूँ, तो अभी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो ये सारे मेथड होते हैं. और जो हमारे क्वेश्चन आएंगे बेसिकली किस पे आएंगे, ऊपर के तीन मेथड पे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. और ये मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर ही हो गया सबको कि जब आपका ओल्ड सिटी होता है तो अर्थमेटिक, जब आपका न्यू सिटी होता है, नया भी बसा होता है, तो उसमें ज्योमेट्रिक. अगर आपका इंटरमीडिएट सिटी होता है तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, तब मेथड करते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. और जब हमारे शहर की पॉपुलेशन घटने लग जाए, सेचुरेशन आ जाए वहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट मेथड. और जो आपका ग्राफिकल मेथड हो गया वो क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड में अगर हमारा पिछले 3-4 सेंसिस का पॉपुलेशन सेम पैटर्न पे इंक्रीज करा हो किसी दूसरे सिटीज से, तो उसकी हम उन सिटीज की आने वाले टाइम में पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे और सबका मीन ले लेंगे. और सबका मीन ले लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लॉगरिथमिक मेथड, ठीक है. हमारा जो नेक्स्ट, हमने बताया कि इन सारे मेथड के अलावा एक लॉजिस्टिक कर्व मेथड होता है. लॉजिस्टिक कर्व मेथड ये होता है, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है. एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब कि ये सीधे फॉर्मूला डेवलप किया गया है, इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते. तो पी इज इक्वल टू पी एस 1 प्लस एम लॉग इनवर्स ई एन टी, ठीक. तो यहाँ पे पी एस हो गया सेचुरेटेड पॉपुलेशन, एम कॉन्स्टेंट होता है, एम हमारा नंबर ऑफ डिके होता है, टी हमारा टाइम. तो बस ये आपको इक्वेशन में से ध्यान रखनी, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे तो ये तुम्हारे दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता था बस, इससे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है. तो ये हमारे सारे मेथड थे पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सोर्स ऑफ वाटर, हम कहाँ कहाँ से पानी को उठा सकते हैं, फिर इसके क्वालिटी पैरामीटर क्या है, फिर इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं. ये हमारा वाटर सप्लाई का पार्ट होगा. उसके बाद जो सीवेज में आएगा, सीवेज में हमारा सीवर को कैसे हम ले जाएंगे, सीवरेज सिस्टम, उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या होगी सीवर की और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. उसके बाद फिर हम डिस्पोजल पढ़ेंगे सॉलिड का भी और ये सीवेज का भी बस. तो ये अभी जैसे हमारा सिलेबस अभी तक हो चुका है सारा, आपने पढ़ा कि वाटर डिमांड, और इसके आगे के भी लेक्चर हम आते रहेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करें. उसके बाद फिर ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, हमारा फ़ोन नंबर है 9015781999, और हमारा जो वेबसाइट हमारी www.modulationinstitute.in, तो इस पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि अगर आगे के लेक्चर आप चाहते हैं जो अपलोड होते रहे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड गो थ्रू दी वेबसाइट. थैंक यू.